हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया आपके लिए जिसका नाम है शार्प, ताकि इजीली ये आपकी शार्प मेमोरी में फिट हो जाए। ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि आपको क्या क्या नहीं खाना है अगर आपको बवासीर है या आपको कोई भी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, यानी कॉन्स्टिपेशन वगैरह। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है एस, उसका मतलब है स्पाइसी फूड। तो स्पाइसी फूड से हमारा मतलब है ये नहीं कि आपको मिर्ची नहीं खानी। मिर्ची तो इज गुड फॉर हेल्थ। अगर आप हल्का सा स्पाइसी फूड खाते हो तो आपकी पेरिस्टाल्सिस इंप्रूव हो जाती है, यानी आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इंप्रूव होती है। तो आपको हल्का स्पाइसी फूड तो खाना ही चाहिए। यहाँ स्पाइसी फूड से मतलब है कि अगर आप एक्सेस स्पाइसी खाते हो, जैसे कुछ लोग एक्सेस मिर्च डाल लेते हैं, और स्पेसिफिकली जो लोग मिर्च के बीज खाते हैं उनको नहीं खाने चाहिए। जैसे पिज्जा के ऊपर मिर्च के जो सीड्स होते हैं उसको स्प्रिंकल किया जाता है, उसको आपको नहीं करना चाहिए। दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सेकेंड वर्ड है एच। एच से मतलब है हार्ड ड्रिंक्स, यानी अल्कोहल या रम, विस्की, जो भी अल्कोहल के अंडर आता है। और दूसरी जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो स्मोकिंग के लिए लेनी चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो तो उससे आपकी डाइजेशन अच्छी रहती है। अगर आप इसको लेते हो तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, आपको बार बार यूरिन आता है, बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है, और इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। थर्ड वर्ड है ए। ए यानी एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, आप थम्स अप, कोक, एनी कोल्ड ड्रिंक, उस सबको एरेटेड ड्रिंक कहा जाता है। इसको पीने से भी यही प्रॉब्लम आती है। एक तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये आपको मोटा कर देता है। दूसरा, इसको पीने से भी यूरिन आउटपुट बढ़ता है और बॉडी डिहाइड्रेट होती है, यानी बॉडी में पानी की कमी आ जाती है जिससे स्टूल ड्राई हो जाते हैं। और अगर आप ड्राई स्टूल को पास करते हो तो उससे बवासीर होने की संभावना बढ़ती है, और अगर है तो उसके सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर। आर का मतलब है रिफाइंड फूड। जैसे रिफाइंड फूड क्या होता है, जैसे रिफाइंड ऑयल्स वगैरह हम कुकिंग में यूज करते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। रेदर देन रिफाइंड फूड या रिफाइंड ऑयल्स, यू ट्राई टू यूज देसी घी इन योर प्रिपरेशन, एंड इट इज वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। और स्पेशली अगर वो गाय का घी है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए, इजी टू डाइजेस्ट होता है, और जॉइंट्स आपके लुब्रिकेटेड रहते हैं और जॉइंट प्रॉब्लम्स ही इससे बहुत कम हो जाते हैं। फिफ्थ वर्ड है पी। पी जो हमारा लास्ट वर्ड है, फिफ्थ वर्ड, इसका मतलब है प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड में क्या है? प्रोसेस्ड फूड उस फूड को कहते हैं जिसको प्रिजर्व किया जाता है, जैसे हमारे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गया। अब आपको ये तो पता ही नहीं होता कि ये प्रोसेस्ड फूड कितनी देर से प्रोसेस किया गया है। कई बार वो 3 महीने पुराना होता है, कई बार 2 महीने पुराना होता है। तो ऑफकोर्स ये जो फूड होता है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं हो गए तो दिस फूड इज नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इस फूड को हम टेक्निकली, प्रोसेस्ड फूड को और जंक फूड को हम लोग डेड फूड भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका पेट तो भरता है पर आपकी बॉडी को एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड नहीं करता। तो आपको हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। और इसी के साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो नॉन वेजिटेरियन डाइट इज़ नॉट गुड फॉर यू। You should opt for vegetarian diet. Thank you very much for watching this video. ये सारी वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके, हम जो जानकारी हमारे पास है आपसे शेयर कर सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, उससे आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे और सारे नए कॉन्सेप्ट का आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।